عليهم ولا هم يحزنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما كثيراً سبحان الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي कहते कहते खुले आँख से अल्लाह कहते कहते दूसरी दरूद पाक के हवाले से है, हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह आपके पास एक औरत आ गई, कहने की बाबा जी मेरी बेटी फौत हो गई और मैं बड़ी परेशान हूँ, बड़ी दुआएं करती हूँ, मेरी दुआ कबूल नहीं होती, मेरी बेटी मुझसे मिल गया, मैं मुलाकात कर लूँ ख्वाब में, कोई ऐसा अमल मुझे बताएं। अल्लाह के वली थे, वली कामल थे, आपकी जुबान से निकलना था, आपने फरमाया अभी कितना अर्सा हो गया, साल हो गया, दो साल हो गया, मेरी बेटी दुनिया से चली गई, मैं उसके फिराक में परेशान हूँ, रो रही हूँ, मेरी आप अमल फरमाए कि मैं वो पढ़ूँ, उससे मुझे मेरी बेटी से मुलाकात। सुभान अल्लाह। आपने फरमाया कि वो दुआ सूरत 11 दफ़ा पढ़ के और सो जा, अल्लाह पाक उससे मुलाकात करवा दे। सुभान अल्लाह। एक दिन का, दो दिन का, तीन दिन का अमल है, मुलाकात हो जाएगी। भाई ने देखा जाते ही घर अमल शुरू कर दिया, बेचैन थी, बेताब थी, बेसुकून थी, दुआएं करती थी, पहले दिन अमल किया, अल्लाह पाक ने मेहरबानी की, बच्चों से मुलाकात हो गई। सुभान अल्लाह। काम में देख लिया कि बेटी बड़े अजाब में मुब्तला है, सजा में मुब्तला है, पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, हाथ पकड़े हुए हैं, आग के समुद्र में पड़ी हुई है। सुबह हुई बेकाम होके हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई, हुजूर आके बैठ गई, पापा जी ने फरमाया कि भाई तेरी बेटी मिली नहीं, मैं हुजूर मिली तो है, मुलाकात तो हुई है, फिर अब क्या चाहिए, फरमाया हुजूर उससे ज़्यादा परेशानी है, इससे ज़्यादा परेशानी थी, फरमाया जब पहले तो मुझे मिली रही थी, अब मिली है तो अजाम में है, तो माँ की मानता है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, हुजूर करो फरमाए नजात हो जाए। अच्छा इस तरह कादी के दरूद पाक जाके, सुभान ये दरूद पाक का वजीफा जाके कर,
आपने दरूद पाक का वजीफा फरमा दिया जा जाके पर भाई ने जाके मुलाकात हुई बेटा तेरी बख्शिश कर दिया क्या मैं बाबा जी ने आपको दरूद पाक का अमल बताया सुभान अल्लाह उससे अल्लाह पाक ने 70,000 उस कब्रिस्तान के जो मदफून थे उनको बख्श दिया सुभान अल्लाह 70,000 जो अज़ाब इलाही में मुब्तला थे गुनाहगार उम्मती उन सब को इस दरूद पाक के सबब से अल्लाह पाक ने जन्नत में दाखिल कर दिया सुभान अल्लाह दरूद पाक का अमल है हर आदमी को चाहिए कम से कम 11 दफा दरूद पाक का सुभान अल्लाह सोते वक्त जागते वक्त ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی حقیقی نے فرمایا کہ میں اور میرے ملائکہ نبی رحمت